हाय लेट्स स्टार्ट विद ए न्यू टॉपिक कॉल्ड एडजोइंट ऑफ ए मैट्रिक्स एंड इनवर्स ठीक है अच्छा इससे पहले वैसे तो डिटरमिनेंट में सेपरेटली पढ़ाया जाएगा बट क्विक रिवीजन अगर कोई मान ली मेरे को डिटर्मिनेंट ऐसे दे रखा है वन टू थ्री फाइव माइनस सेवन एट एलेवन जीरो सिक्स मान ली थ्री बाई थ्री का डिटर्मिनेंट दे रखा है तो मैट्रिक्स में जैसे हम बोलते हैं वैसे ही इस एलिमेंट को क्या बोलेंगे ए वन वन फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम दिस विल बी ए वन टू फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम वैसे ही ये वाला हो जाएगा थर्ड रो में है एंड फर्स्ट कॉलम में है तो थर्ड रो मतलब थ्री पहले फर्स्ट कॉलम मतलब वन बाद में ठीक है अगर ऐसे लिखा है एक दो तीन चार टू बाई टू का डेट हमने लिखा है तो उसका वैल्यू कैसे लिखते हैं दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस सो दिस विल बी फोर माइनस सिक्स बराबर माइनस टू आई होप ये आता होगा अब तो हमने क्या किया जैसे ये एलिमेंट है ए थ्री वन इसका हम को फैक्टर डिफाइन करते हैं जिसको हम लिखते हैं सी थ्री वन ये ठीक है कितने भी ऑर्डर का मैट्रिक्स हो सकता है सी थ्री वन को हम डिफाइन कैसे करते हैं को फैक्टर को पहले तो हमने लिखा माइनस वन पावर ये लोअर सब्सक्रिप्ट थ्री प्लस वन और उसके बाद जिस भी रो में ये है वो हटा दिया और जिस कॉलम में है वो हटा दिया उसके बाद जो बच गया जैसे ये बच गया टू थ्री माइनस सेवन वन एट तो ये को फैक्टर हो गया ये ठीक है को फैक्टर इज नथिंग बट ए डिटर्मिनेंट और डिटरमिनेंट इज नथिंग बटे वैल्यू तो को फैक्टर एक वैल्यू हो गया इसके करस्पॉन्डिंग ठीक है तो ऐसे अगर मान लिया वन टू थ्री फाइव माइनस सेवन एट इलेवन जीरो सिक्स अगर मुझे इस एट का को फैक्टर लिखना हो तो यह हटा दिया यह हटा दिया तो उसके बाद क्या बचा एक दो तीन चार मतलब एट का को फैक्टर ये कौन सी रो में सेकेंड रो में थर्ड कॉलम में तो ए टू थ्री हो गया तो सी टू थ्री कितना हो जाएगा ए टू थ्री का को फैक्टर माइनस वन रेस्ट पर टू प्लस थ्री और जो मैट जो डिटर्मिनेंट बच गया वन टू इलेवन जीरो अब ये नंबर इवैल्यूएट कर लो इज़ जीरो सो ये कितना आएगा इसकी वजह से माइनस और इसकी वजह से माइनस ट्वेंटी टू ट्व। जीरो माइनस ट्वेंटी टू ट्व। तो कितना आ गया ट्वेंटी टू ट्व। तो मतलब इस एलिमेंट एट का को फैक्टर क्या है ट्वेंटी टू ट्व। ठीक है तो अगर लोअर सब्सक्रिप्ट का सम इवन है जैसे यहाँ पे तब तो ये वन बन गया और रो कॉलम को हटाने के बाद जो डिटर्मिनेंट आया एज इट इज़ उस डिटर्मनेंट की वैल्यू विल बी द को फैक्टर ऑफ दैट एलिमेंट अगर लोअर सब्सक्रिप्ट का सम ऑर्ड है जैसे ये टू प्लस थ्री ऑर्ड हो गया तो उस डिटर्मनेंट के साथ एक माइनस और आ जाएगा ठीक है पहला चीज़ तो ये हो गया दूसरा क्या हो गया कि डिटर्मनेंट एक नंबर को रिप्रेजेंट करता है ठीक है तो अब उसमें क्या है कि जैसे ये मान लिया मैंने ऐसे लिख लिया ए वन बी वन सी वन ए टू बी टू सी टू ए थ्री बी थ्री सी थ्री तो हमने क्या किया किसी भी रो के जैसे मैंने ये रो उठाया और इसके को फैक्टर से मल्टीप्लाई करके जोड़ दिया मतलब ए टू इंटू को फैक्टर ऑफ ए टू प्लस बी टू इंटू को फैक्टर ऑफ बी टू प्लस सी टू इंटू को फैक्टर ऑफ सी टू तो ये जो नंबर आएगा वो हमेशा डिटर्मिनेंट का वैल्यू आता है तो अगर ये डिटर्मिनेंट डेल्टा है तो डेल्टा इज ए नंबर तो उसका वैल्यू आ जाएगा सही है ऐसी ए थ्री मतलब रो थ्री के रेस्पेक्ट में ही इवेल्यूएट कर सकते हैं कॉलम टू के रेस्पेक्ट में ही कर सकते हैं कॉलम वन के रेस्पेक्ट में ही कर सकते हैं माने मैंने कॉलम वन के रेस्पेक्ट में किया तो कॉलम वन के एलिमेंट को उनके कोफैक्टरों से मल्टीप्लाई कर लिया ए टू इंटू सी ए टू प्लस ए थ्री इंटू सी ए थ्री ऐसा करने से हमेशा डिटर्मिनेंट वैल्यू आएगा एक तो ये हो गया दूसरा इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी क्या है कि अगर मैंने रो तो ले लिया मान लिया रो टू बट को फैक्टर ले लिया रो वन के जैसे ए टू सी ए वन प्लस बी टू सी बी वन प्लस सी टू इंटू सी सी वन मतलब इसमें क्या है एलिमेंट तो सेकेंड के हैं को फैक्टर फर्स्ट रो के, तो हमेशा वैल्यू जीरो ही आता है जीरो क्यों आता है निकाल के देख लो जैसे ए वन का को फैक्टर के लिए ये हटा दिया ये हटा दिया दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस यहाँ पे दो तो टर्म आ जाएंगे फिर ऐसे यहाँ पे दो तो, यहाँ पे दो तो वो तो सारे टर्म कैंसिल हो जाएंगे हमेशा ही किसी भी ऑर्डर का डिटर्मिनेंट हो ठीक है ऐसे अगर मैंने मान लिया को फैक्टर थर्ड रो के ले लिए और एलिमेंट फर्स्ट रो के ले लिए या सेकेंड रो के ले लिए, लिए करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स तो भी प्रोडक्ट ज़ीरो आएगा या मैंने फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट्स को फैक्टर सेकेंड कॉलम के तो भी उनको मल्टीप्लाई करके जोड़ेंगे तो जीरो आएगा ठीक है अच्छा रो और कॉलम में कुछ नहीं होता कि मान लिया मैं बोलूं रो थ्री ले लिया और कॉलम वन ले लिया मैंने रो थ्री के एलिमेंट्स ले लिया और कॉलम वन के को फैक्टर ले लिया तो कुछ भी नहीं होगा ना डेल्टा आएगा ना जीरो आएगा इन जनरल बाई चांस आ सकता है वो अलग है बट इन जनरल ऐसा कुछ नहीं होगा ठीक है ओके नाउ विथ दिस बैकग्राउंड विल स्टार्ट मैंने कोई स्क्वायर मैट्रिक दे रखा है फॉर ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए चलो उसको ऐसे देख लिया ए आई जे एन क्रॉस एन वी डिनोट एट जॉइंट ऑफ ए एज ए डी जे एट जॉइंट ए ऐसे डिनोट करते हैं एंड इज डिफाइंड एड ज्वाइंट ए को हम कैसे डिफाइंड करते हैं जो एलिमेंट्स हैं ए आई जे ठीक है Aij, इनके को फैक्टरों मतलब मैट्रिक्स ए में जो भी एलिमेंट है उन सब एलिमेंट्स को उनके को फैक्टर से रिप्लेस कर दिया तो इसलिए इसका जनरल एलिमेंट कितना हो गया सी आई जे एन क्रॉस एन और फिर उसका ट्रांसपोज ले लिया ठीक है तो एड जॉइंट कैसे मिलता है किसी भी मैट्रिक्स का उस मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को हमने उनके कोफैक्टर से रिप्लेस कर दिया उसके बाद ट्रांसपोज ले लिया ठीक है तो इफ़ आई कैन शो यू वेरी क्विकली फॉर एग्जाम्पल मान लिया ए टू बाई टू का मैट्रिक्स है टू जीरो थ्री फाइव सही है तो इस टू का को फैक्टर क्या होगा ये कॉलम हटा दिया ये रो हटा दिया तो केवल फाइव बचा और ये टू कौन सा एलिमेंट है वन वन तो वन प्लस वन ईवन हो गया तो ये जो फाइव है ये प्लस साइन के साथ आएगा तो यहाँ पे कितना गया फाइव इस जीरो के लिए ये हटा दिया ये हटा दिया तो थ्री बचा बट ये थ्री क्या है सॉरी ये जीरो कहाँ पे है वन फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम तो फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम इसका सम तो ऑड हो गया तो साइन चेंज करेंगे तो ये हो गया माइनस थ्री ऐसे ये जो है ये उल्टा ये सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम है तो भी ऐड करके ऑड आएगा तो इसका भी साइन चेंज होगा बट यहाँ तो बेसिकली जीरो है तो कोई फर्क नहीं पड़ा इस फाइव के लिए ये तो आ गया साइन चेंज नहीं होगा तो ऐसा करने से क्या हो गया सारे एलिमेंट्स को हमने उनके कोफैक्टर से रिप्लेस कर दिया ना इसका ट्रांसपोज ले लिया मतलब जो फाइव और माइनस थ्री फर्स्ट हुआ उसको कॉलम बना दिया जीरो एंड टू ऐसे ये आंसर आ गया अगर हमने टू बाई टू का लिया एक थ्री बाई थ्री का भी ले सकते हैं मान लिया वन माइनस वन जीरो थ्री टू वन फोर माइनस टू माइनस थ्री माने ये तो एट ज्वाइंट ए क्या आएगा बराबर जैसे इस वन के लिए दिस इंटू दिस माइनस सिक्स माइनस दिस इंटू दिस ठीक है वो हो जाएगा माइनस माइनस प्लस टू तो माइनस सिक्स प्लस टू माइनस फोर साइन चेंज होगा नहीं क्योंकि एलिमेंट वन वन है इसके लिए दिस इंटू दिस माइनस नाइन माइनस दिस इंटू दिस तो माइनस फोर यह माइनस तेरा है अच्छा इसके अपना एल वैल्यू क्या लिखा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता माइनस वन लिखा हो पांच लिखा हो ग्यारह लिखा हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता बट दिस एलिमेंट इज बेसिकली वन टू तो साइन रिवर्स करेंगे तो माइनस थर्टीन आया है तो प्लस थर्टी ये वाला एलिमेंट कौन सा है वन थ्री तो वन प्लस थ्री इवन नंबर है तो इसका साइन रिवर्स नहीं होगा तो ये हो गया -6 इसको और इसको हटा हटाके -6 एंड -8 तो minus -6 minus -8 minus -14 अब कैलकुलेट कर लो जैसे 3 के लिए कितना आ जाएगा 3 तो ये हो जाएगा -3 2 के लिए हो जाएगा -3 साइन रिवर्स हो जाएगा सॉरी साइन रिवर्स नहीं होगा -3 हम्म hmm. इस वन के लिए ये कौन सा है सेकेंड रो थर्ड कॉलम ऑड हो गया तो साइन चेंज होगा तो ये हटाया ये हटाया तो दिस इंटू दिस माइनस टू माइनस दिस इंटू दिस तो प्लस फोर तो कितना हो गया टू और साइन रिवर्स होगा तो माइनस टू इस फोर के लिए ये थ्री वन है इवन है तो साइन रिवर्स नहीं होगा तो माइनस वन माइनस जीरो सो दिस इज माइनस वन इसके लिए फिर साइन रिवर्स होगा तो कितना आ जाएगा माइनस वन यू कैन वेरीफाई योर सेल्फ एंड दिस विल बी टू प्लस थ्री फाइव इसका ट्रांसपोज तो सारे एलिमेंटों को हमने उनके को फैक्टर से रिप्लेस किया फिर ट्रांसपोज ले लिया सो दिस विल बी इक्वस टू माइनस फोर थर्टीन माइनस फोर्टीन माइनस थ्री माइनस थ्री माइनस टू माइनस वन माइनस वन फाइव आई होप कैलकुलेशन इज़ करेक्ट अदरवाइज लॉजिक समझ में आना चाहिए क्या करें नंबर इधर उधर से कोई फर्क नहीं पड़ता लॉजिक साउंड आना चाहिए ठीक है कैलकुलेशन तो कोर्स यू आर सपोज टू डू करेक्टली मेरे को जे ही नहीं देना है तुम लोगों को जे ही देना है यू कैन नॉट अफोर्ड टू मेक कैलकुलेशन मिस्टेक्स आई कैन ऑफ कोर्स। ठीक है हाँ तो अब जनरल केस में लिख लेते हैं मैट्रिक्स ए इज ए वन वन ए वन टू ए वन थ्री ऐसे करके ए वन एन फिर ए टू वन ए टू टू ए टू थ्री अप टिल ए टू एन एंड ऐसे ही इस डायरेक्शन में ए एन वन ए एन टू अप अपिल ए एन एन अगर ये मैट्रिक्स है तो एट ज्वाइंट ए क्या आएगा सी वन वन सी टू वन सी थ्री वन सी एन वन सी वन टू सी वन थ्री सी वन एन ऐसे सी एन एन इसका ट्रांसपोज उसका मतलब क्या है कि रोज को कॉलम बना दिया C11, C12, C13 अप ट सी वन एन सी टू वन सी टू C मतलब को फैक्टर सी टू एन एन एट लास्ट सी एन वन सी एन टू सी एन एन सो दिस इज द एट जॉइंट इन जनरल केस तो आई होप मैंने बहुत बोल दिया है एट uh, कैसे निकालेंगे हर एलिमेंट को उसके को फैक्टर से रिप्लेस करो उसके बाद जो मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज ले लिया ठीक है एंड इट इज डिफाइंड फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स ठीक है नाउ लेट्स स्टार्ट विथ प्रॉपर्टी वन ये ठीक है अगर मैंने लिखा ए इन टू एट ज्वाइंट ए विच इज इक्व टू ए इज ए वन वन ए वन टू अपिल ए वन एन ए टू वन ए टू टू ए टू एन एंड सॉन ए एन वन ए एन टू ए एन एन सही है यहां पे को फैक्टर लिखा को फैक्टर कैसे लिखेंगे बहुत सिंपल इनके जो को फैक्टर है क्योंकि ट्रांसपोज लेते हैं उसको रो में लिखने की बजाय को कॉलम में लिख लिया तो फर्स्ट रो के को फैक्टर कितना है सी वन वन सी वन टू सी वन थ्री सी वन एन फिर जो दूसरी रो है सी टू वन सी टू टू उसके दूसरे कॉलम देख लिया सी टू एन एन सॉ सी एन एन सी एन वन डॉटर डॉट 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 ठीक है अच्छा अब हम मल्टीप्लिकेशन तो पढ़ा ही चुके हैं तो इसमें क्या होगा कि मैंने क्या किया कि दूसरे का ये पहला कॉलम उठाया और उसको उठाए रखा ठीक है इसको जब पहले अच्छा अगर मैंने पहला कॉलम उठाया पहले से रो आता है मतलब मल्टीप्लिकेशन जो मैट्रिक्स आता है उसमें पहले से रो आता है दूसरे से कॉलम आता है ठीक है तो अगर मैंने इस मैट्रिक्स का कॉलम उठाई रखा तो कॉलम बनता जाएगा तो जब मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो ये वाला एलिमेंट आ जाएगा फिर जब मैं सेकेंड रो से मल्टीप्लाई करूँगा तो कॉलम वन ही बनेगा क्योंकि यहाँ तो कॉलम वन ही उठा रखा है मल्टीप्लीकेशन भी आर ऑलरेडी डिस्कस बट बिकॉज ये रो टू है तो यहाँ पे सेकेंड एलिमेंट बनेगा फिर थर्ड रो लिया तो थर्ड एलिमेंट बनेगा और लास्ट रो लिया तो ये डॉट 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 लास्ट एलिमेंट बनेगा ठीक है इसमें वो फैक्ट यूज होगा जो हमने अभी जस्ट करके आए ये जो बेसिकली ट्रांसपोज लेने से क्या हो गया कि जो यहाँ पे रो वाइज़ लिखा है उसी के कोफेक्टर यहाँ कॉलम वाइज आ गए ठीक है और जब मैंने इन एलिमेंटों को मल्टीप्लाई किया तो ये इसी के को फैक्टर से मल्टीप्लाई हो रहे हैं ठीक है उसका मतलब क्या है कि जो ए के करस्पॉन्डिंग डिटर्मिनेंट होगा ये ठीक है मॉडे जो होगा दैट इज ए वन वन ए वन टू मॉडे लिखा है तो ये तो एक वैल्यू होगा ये ठीक है तो इसमें हमने क्या बोला था इवेल्यूएशन के लिए कि किसी भी रो को अगर हम उसके को फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे उसी रो के को फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा डिटर्मिनेंट वैल्यू आएगा मतलब मॉडे आएगा तो इफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड अगर मैंने ये फर्स्ट कॉलम उठाया तो जब उसको फर्स्ट रो से मल्टीप्लाई करेंगे तब तो मॉड आएगा उसके बाद अगर मैं रो कोई दूसरा उठाया और फैक्टर किसी दूसरे रो के उठाए तो हमेशा जीरो आता है तो उसका ना ये सारे जीरो चले जाएंगे ठीक है अगर ये समझ में आए तो फिर आगे बढ़ते हैं आगे है कि अब मैंने यहां से दूसरा कॉलम उठाया तो दूसरा कॉलम ठीक है बेसिकली इसकी दूसरी रो के को फैक्टर तो जब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होगा तभी डेल्टा बनेगा बाकी सब जीरो बनेगा तो उसका मतलब क्या है कि टू टू एलिमेंट जो होगा वही डेल्टा या डिटर्मिनेंट बनेगा डिटर्मिनेट ए बनेगा बाकी सारे एलिमेंट ऐसे जीरो 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 तीसरी बार में क्या है कि तीसरे पे जाके मैच होगा तो वो हो जाएगा एंड सो so तो लास्ट में जाके मॉडे ऐसे हो ठीक है उसका मतलब क्या है कि ये तो एक मैट्रिक्स आ गया जिसमें केवल डायगनल एंट्रीज मॉडे हैं बाकी सब जीरो तो इसमें से अगर मैं मॉडे कॉमन ले लूं तो जीरो में से तो कुछ भी कॉमन ले लूं तो डायगनल एंट्रीज वन हो जाएंगी और बाकी सारी एंट्रीज जीरो हो जाएंगी ऐसे जीरो 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 वन बाकी सब जीरो ठीक है अगर डायगनल एंट्रीज वन है बाकी सब जीरो है तो दिस इज़ नथिंग बट मॉड ए आइए ठीक है तो हमारा फर्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या आया कि अगर ए को हम उसी के एड से मल्टीप्लाई करें तो पी वन हमारा क्या आया ए इंटू एट ज्वाइंट ए बराबर एड ज्वाइंट ए इंटू ए हमने केवल फर्स्ट पार्ट करके दिखाया है सेकेंड पार्टी मतलब ये वाला पार्ट तुम तो अपने आप वेरीफाई कर सकते हो कि ये भी मॉडे इंटू आई एन होगा दिस इज एड जॉइंट का मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी सही है प्रॉपर्टी टू तो, फर्स्ट प्रॉपर्टी तो ये इसको याद कर लिया कि किसी मैट्रिक्स को अगर तो उसके एड ज्वाइंट से मल्टीप्लाई किया तो मॉडे इंटू आई एन आ जाएगा सही है अच्छा एक चीज और रहा जॉइंट एक मैट्रिक्स ही है ये समझ आते हैं तो जब हमने ए इंटू एड जॉइंट ए लिखा है तो इट इज लाइक ए इनटू बी लिखा हुआ है जहाँ पे बी एक मैट्रिक्स है यहीं से इफ मॉडे इज नॉट जीरो देन अगर मॉडे जीरो नहीं है तो इससे डिवाइड कर सकते हैं तो मॉडे तो एक नंबर है उस नंबर को बिल्कुल बाहर लिख दो ए के नीचे लिख दो एट जॉइंट ए के नीचे लिख दो कोई फर्क नहीं पड़ता ठीक है तो हमने क्या किया एट जॉइंट ए के लिए, नीचे लिख दिया एट ए इज नथिंग बट ए मैट्रिक्स वापस सो दिस इज है ये ठीक है अगर मॉडल जीरो नहीं है तो फिर ऐसा हो जाएगा अब ऐसा होने से क्या हुआ कि हमने ये एक मैट्रिक्स है ये एक दूसरा मैट्रिक्स है इन दोनों मैट्रिक्स का प्रोडक्ट आई आइए न तो दिस इज नथिंग बट रेसिप्रोकल मैट्रिक्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स जिसको हम इन्वर्स बोलते हैं तो यही इन्वर्स होना चाहिए ठीक है सो दिस इंप्लाइज ए इंटू ए इनवर्स बराबर आई है सही है और ऐसा लिखने के लिए हमें किस कंडीशन की जरूरत पड़ी केवल एक कंडीशन की मॉडे जीरो नहीं होना चाहिए उसका मतलब क्या है कि मोडे स्क्वायर मैट्रिक्स में मोडे मतलब ए अगर नॉन सिंगुलर है अगर उसका मॉड जीरो नहीं है तो दिस इज नेसेसरी एंड सफिशेंट कंडीशन फॉर इनवर्स टू एग्जिस्ट ठीक है तो यहां से हमें एक तो ए इनवर्स का मिल गया ए अपॉन मॉड ए और इससे क्या पता लगा कि इनवर्स हर मैट्रिक्स का आ जाएगा बस उसका मॉड जीरो नहीं होना चाहिए ठीक है इंपॉर्टेंट थिंग अच्छा अब कुछ बच्चों को क्या होता है कि एडजॉइंट देखने में ना थोड़ा प्रॉब्लम होता है मतलब एड उन्हें लगता है पता नहीं क्या लिखा हुआ है वैसे तो इज नथिंग बट ए मैट्रिक्स बट इंट्यूटिवली ए इनवर्स के साथ डील करना ज़्यादा आसान है मेरे हिसाब से तो हम ऐसे भी कर सकते हैं कि एड ज्वाइंट के कैलकुलेशन के लिए यहाँ से हम एड जॉइंट ए को ऐसे लिख लें मॉड ए इंटू ए इनवर्स तो किसी भी मैट्रिक्स का किसी भी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का एड क्या होगा उसका मॉड मतलब एक नंबर आ गया टाइम्स ए इनवर्स उसका मतलब एड ज्वाइंट ए तो इनवर्स मैट्रिक्स हो गया है काइंड ऑफ नॉट एक्जैक्टली बट एक नंबर डिफर करेगा बस इनवर्स मैट्रिक्स टाइम से एक नंबर हो गया तो उसका मतलब क्या है कि मेरे को ये फीलिंग आ जानी चाहिए कि ऑफ़ 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 मतलब काइंड kind किस of तो वापस एक ए टर्न में आंसर आ जाना चाहिए तो आगे हम प्रूव करेंगे एट ज्वाइंट ऑफ एट ज्वाइंट ए को आई कैन राइट डाउन इन टर्म्स ऑफ ए आई होप दिस इज क्लियर इन्वर्स में एग्जिस्ट इन्वर्स मैट्रिक्स कैसे निकालेंगे मॉडे कैलकुलेट किया एड ये निकाला और उसको डिवाइड कर दिया ठीक है तो एड निकालना अभी हमने सिखाया था ठीक है तो उसके बाद तो बस एक स्टेप बचता है कि डिटर्मिनेंट वैल्यू निकाल के उससे डिवाइड कर दिया इनवर्स के लिए तो इफ आई कैन शो यू ये जो मैट्रिक्स था मान लिया इसका मेरे को इनवर्स निकालना है तो इसका मॉड निकाल लो और एक एक, -एक एलिमेंट का एड ज्वाइंट निकाल लिया जैसे यहाँ हमने निकाला ये हेड जॉइंट निकाल लिया बस अब इसको इसका मॉड और कैलकुलेट करना है ठीक है एंड इफ आई कैन शो यू तेन मॉड विल बी अगर तुम घर जाके अपने आप कैलकुलेट करना तो मॉडे विल बी माइनस फोर माइनस थर्टीन मतलब ये इसी का को फैक्टर है तो इसे मल्टीप्लाई कर दिया माइनस फोर आ गया इस माइनस वन को तेरह से मल्टीप्लाई कर दिया तो माइनस थर्टीन आ गया जीरो को माइनस फोर्टीन से मल्टीप्लाई कर दिया तो जीरो आ गया मतलब माइनस सेवनटीन तो इसका मॉड कितना हो गया माइनस सेवनटीन तो अगर मैट्रिक्स ए ये दे रखा है तो इसका इन्वर्स कितना आ जाएगा ए इन्वर्स की माइनस सेवनटीन से डिवाइड कर दिया ठीक है तो फाइनली तो ये आया था इसको माइनस सेवनटीन से डिवाइड कर दिया तो ईच वैल्यू विल गेट डिवाइडेड बाई माइनस सेवेंटीन सो माइनस थर्टीन बाई सेवेंटीन फोर्टीन बाई सेवेंटी दिस इज अगर थ्री बाई सेवेंटीन अब तुम लिख लेना आगे ठीक है यहां से इसको माइनस सेवनटीन से डिवाइड कर दिया तो बाई डूइंग सो वी आर अंडरस्टूड के इनवर्स कैसे निकालते हैं कैसे निकालते हैं सबसे पहले मॉडे कैलकुलेट किया ये ठीक है पहले एड ज्वाइन ही निकाला ऐसा ना हो कि हम एडजॉइन निकाल के बैठ जाए बाद में पता लगा कि मॉडे तो जीरो है तो अगर मॉडे जीरो हो गया तो इन्वर्टेबल ही नहीं है इन्वर्टेबल नहीं है तो इन्वर्स निकाल नहीं सकते तो हमने फालतू कैलकुलेशन किया तो इसलिए सबसे पहले मॉडे कैलकुलेट किया अगर वो जीरो नहीं है तब जाके एड जॉइंटे निकाला विच इज़ ए मैट्रिक्स विच वी ऑलरेडी डिस्कस्ड ये तो हम पहला पॉइंट था सेकेंड पॉइंट क्या था कि इन्वर्स को एग्जिस्ट करने के लिए केवल नॉन सिंगलर होना काफ़ी है स्क्वायर मैट्रिक्स का नॉन सिंगुलर होना काफ़ी है ठीक है तीसरा हमने क्या बोला कि ये याद रखा एड जॉइंट ऑफ सम मैट्रिक्स विल मॉड मॉडे टाइम्स उसी का इनवर्स ठीक है नाउ आप जल्दी जल्दी कर सकते हैं प्रॉपर्टी थ्री अगर इन्वर्स और एड की मैं मिक्स करा के प्रॉपर्टी लिखा रहा हूँ ए इंटू ए इनवर्स अगर आई है तो दोनों तरफ हमने डिटर्मिनट वैल्यू ले लिया मतलब मॉड ले लिया तो लेफ्ट हैंड साइड पे ऐसे आ जाएगा आई ये दोनों मैट्रिक्स हैं तो मॉड तो मैट्रिक्स से ब्रेक हो जाता है इन टू मॉडे इनवर्स बराबर आई वन होते हैं मॉड एक नंबर है ए इनवर्स अगर आया है तो ऑफकोर्स क्या बोलते हैं मॉडे तो जीरो नहीं होगा तो इसको इधर ले आ सकते हैं तो यहाँ से आ गया ए इनवर्स का मॉड इज़ वन अपॉन ए ठीक है अब इसको मैं ऐसे रखता हूं ए इन्वर्स रेस्ट वाइनस वन ये माइनस वन अलग टाइप का है ये अलग टाइप का है यहां तो ये मैट्रिक्स का इन्वर्स बता रहा है यहां पे ये नंबर का रेसिप्रोकल बता रहा है ठीक है ओके सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी फोर कि अगर एक नंबर के ए के इंटू ए का इन्वर्स है तो वो कितना हो जाएगा ए इनवर्स अपॉन के ठीक है इसका सो कॉल्ड प्रूफ या याद रखने का तरीका कितना है के ए मैट्रिक्स इंटू के ए का इनवर्स मैट्रिक्स आई ही आएगा ठीक है अब हमने क्या किया कि इसको प्री मल्टीप्लाई कर दिया ए इन्वर्स से तो इस नंबर को के के तो बाहर निकाल सकते हैं ए इनवर्स ए इंटू ए आई हो जाएगा तो आई इन दिस मैट्रिक्स इनवर्स तो एक मैट्रिक्स होता है वो वापस दिस मैट्रिक्स बचेगा तो आ जाएगा के टाइम्स के ए का इनवर्स बराबर ए इनवर्स अब इसके को इधर ले गए तो के ए का इनवर्स बराबर ए इनवर्स अपॉन के ये सही है अच्छा अब इसको यूज करके ये भी बोल सकते हैं कि एट के ए कितना होगा किसी भी का भी एडजॉइंट हमने कैसे लिखा था मॉड लिखा उस मैट्रिक्स का और फिर उसका इन्वर्स लिख दिया के ए का इन्वर्स सो दिस इज़ इक्वल्स टू यहाँ पे नंबर है ये मैट्रिक्स है तो नंबर को बाहर निकाला तो आई विल गेट के टू पाइन इन टू ए इन टू ये इस प्रॉपर्टी से कितना हो गया ए इन्वर्स अपॉन के तो ये पावर कम हो गया और मॉडे ए टू ए इन्वर्स को एट ए ले सकते हैं इसी डेफिनेशन से सो दाइनस वन इंटू एट ज्वाइंट एट जॉइंट केन इंटू एट ज्वाइंट ए प्रॉपर्टी सिक्स व्हाट वी हैड ए इंटू एट A ए बराबर मोडे आई एन ठीक है अगर mod A जीरो हो गया तो, सॉरी अगर mod A जीरो नहीं है ठीक है तो उन तरफ हमने मॉडे लिया determinant तो ये तो दो मैट्रिसेस है तो आ जाएगा Mod इन Mod मॉड ऑफ एट जॉइंट ए बराबर मोडे आई एन लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में क्या अंतर था ये दोनों तो मैट्रिक्स हैं तो इनका मॉड हमने ओपन लिया तो अलग अलग हो जाएगा ये एक नंबर है तो इसको अगर मैंने बाहर निकाला तो रेस्ट पर एन इन टू मॉड आई एन वन होता है ठीक है तो मॉड ए से एक एक कम कर दिया तो एक और इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या गया एड ज्वाइंट ए का मॉड विल बी मॉड ए रेस्ट पर एन माइनस वन ठीक है और तो आप बहुत सारी प्रॉपर्टी अपने आप बना सकते हो एडजोइंट जॉइंट ए बी विल बी एडजोइंट बी इन टू जॉइंट ए सही क्यों आ गया याद रखने के लिए ऐसे बोल सकते हैं क्योंकि ट्रांसपोज में रिवर्सल लॉ लगता है और एडजोइंट जॉइंट निकालते समय हम ट्रांसपोज लेते हैं तो काइंड kind ऑफ of, तो इसी की वजह से कितना आ गया ए बी का इन्वर्स बराबर बी इन्वर्स ए इनवर्स प्रॉपर्टी सेवन इज वेरी ऑब्वियस इनवर्स का इनवर्स विल बी ए प्रॉपर्टी सॉरी नाइन होना चाहिए दिस शुड बी टेन मैथ्स थोड़ा वीक है हाँ नेक्स्ट क्या है एट जॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज शुड बी एट जॉइंट ऑफ ए का ट्रांसपोज तो प्रॉपर्टी इलेवन ए ट्रांसपोज का इन्वर्स विल बी ए इन्वर्स का ट्रांसपोज इन्वर्स को प्रोडक्ट पे ब्रेक कर सकते हैं सम पे ब्रेक नहीं कर सकते ये में आते हैं ए प्लस बी का होल इन्वर्स इन जनरल प्रॉपर्टी ट्वेल्व ए प्लस बी का होल इन्वर्स इज नॉट इक्व टू ए इन्वर्स प्लस बी इन्वर्स इन जनरल ठीक है पी थर्टीन एट ज्वाइंट ऑफ ए रेस्ट पर के ये कहा से आ गया यहां से आ गया एट ज्वाइंट ए बी एट ज्वाइंट बी इंटू एट ज्वाइंट ए होता है तो अगर ए बी सी लिखा है तो वो हो जाएगा एट ज्वाइंट सी इंटू एट ज्वाइंट बी इन टू एट जॉइंट ए अब ए बी सी को अगर मैं ए बोल दू तो एट ज्वाइंट ए क्यू बराबर एट ज्वाइंट ए इंटू एट ज्वाइंट इंटू एट ज्वाइंट ए एड ज्वाइंट ए का होल क्यों आ जाएगा तो उसी को जर्नलाइज किया तो ये पावर आ गया अब जो एडजोइंट के लिए आया वो इनवर्स के लिए भी आ जाएगा ए रेस्ट पार के का इनवर्स विल बी ए इ रेस्टू पार के या गया इनवर्स के लिए ओके आई थिंक वी आर डन इनफ हाँ फिर इस तरह की चीजें और देख सकते हैं प्रॉपर्टी 15 मैंने अभी क्या बोला था कि एट A ए को कैसे लिखते हैं पहले मॉड लिखो और फिर उसका इनवर्स लिख दिया ठीक है तो अब मान लिया मेरे पास एट जॉइंट ऑफ एट ऑफ ए लिखा है तो पटाइल डू कैसे भी कर सकते हैं इस एड की तरफ से जो ये है ये ए का काम करे तो इसका मॉड लिखा ऐट ज्वाइंट ए इन फिर इसका इनवर्स लिख दिया एट A ए का ठीक है एडजॉइंट ए का मॉड अभी हम पढ़ के आ रहे हैं मॉडे रेस्ट बाई एन माइनस वन होता है एडजॉइंट ए को यहीं से उठा के रख दिया ए इसको मेट्रिक्स बोलते कोई मैट्रिक्स हो के ए मैट्रिक्स का इनवर्स क्या होता है ए इनवर्स अपन के तो ये नंबर है ये मैट्रिक्स है तो ए इन्वर्स का इनवर्स तो ए हो गया और ये जो के है वो नीचे चला गया मॉडे तो ऐसा करने से कितना आ गया मॉडे रेस्ट पर एन माइनस टू इन टू ए तो जैसा मैंने पहले बोला था कि एड जॉइंट इज बेसिकली काइंड ऑफ इन्वर्स तो दो बार एड लेने पर वापस ही आ जाएगा तो उसी टाइप की चीज़ होगी ये अब तुम अपने आप खेल सकते हो कि एक बार और एड ज्वाइंट ले लिया तीन बार ले लिया ऑफ 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 ए दैट यू कैन कैलकुलेट वो ऑफ कोर्स जो आंसर होगा राइट हैंड साइड में वो एट ज्वाइंट ए के टर्म्स में आएगा ए के टर्म्स में नहीं आएगा क्योंकि तीन बार लिया तो वापस एट ज्वाइंट इवन बार लिया तो ए आ जाएगा वापस और एक फिर इसको भी बोल सकते हैं अभी हमने क्या बोला कि एट ज्वाइंट ए का मॉड बराबर कितना होगा मॉड ए रेस्ट पर एन माइनस वन इसको हम ऐसे बोल सकते हैं मॉड के अंदर अगर मैंने ये एड ज्वाइंट हटा दिया तो मतलब ये ए रह गया तो मॉड ए रह गया तो पावर एन माइनस वन लगा दिया एन माइनस वन क्या है एन अगर ऑर्डर है तो यूजिंग दिस अगर मैंने ऐसे देखा एड जॉइंट ऑफ एड जॉइंट ऑफ ए का मॉड इज इक्व टू तो मैं क्या बोला मॉड के अंदर इस एड ज्वाइंट को हटा दिया इसको हटा दिया तो ये बचा रहा एट ज्वाइंट ऑफ ए और पावर अगर ए का ऑर्डर एन है तो एट ज्वाइंट ए जो मैट्रिक्स होगा उसका ऑर्डर भी एन होगा तो यहां पे एन माइनस वन आएगा ठीक है अब इस एड ज्वाइंट को हटा दिया तो अब ए रह गया मॉड के अंदर फिर एन माइनस वन पावर ले लिया एन माइनस वन सो दिस इज मॉड ए टू पर एन माइनस वन का स्क्वायर ठीक है इसको यहाँ से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि दोनों तरफ मॉड ले लिया ये ठीक है तो लेफ्ट हैंड साइड पे आ गया एट ज्वाइंट ऑफ एट ज्वाइंट ऑफ ए का मॉड राइट हैंड साइड पे मॉड ए रेस्टू पार एन माइनस टू इंटू ए उसका उन्होंने क्या है दिस इज नंबर दिस इज मैट्रिक्स तो इस नंबर को बाहर निकाला तो नंबर टू पार नंबर ये दिस रेस्ट टू पार एन भार आएगा इन अंदर जो बच गया मॉडे सो दिस इज इक्वल टू मॉडे रेस्टू पार ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा एन स्क्वायर माइनस टू एन इन ये वाला मॉडे तो so, ये मॉडे मतलब दिस रेस्टू पर वन लिखा है तो दोनों का पावर एड हो गया तो आ गया मॉडे ए रेस्टू पार एन स्क्वायर माइनस टू एन प्लस वन सो दिस इज इक्व टू मॉडे रेस्ट पायर एन माइनस वन का स्क्वायर ऐसे भी आ गया आई होप यू हैव अंडरस्टेंड वॉट वी आर डूइंग तो अगर तीन वार एड ज्वाइंट लगाओगे तो ये लॉजिक समझना बहुत आसान है इस वे में जाना शायद तीन वार एड ज्वाइंट लगाओगे तो हर बार एक बार, एक बार एन माइनस वन आता रहेगा तो नेट तीन बार आ जाएगा तो ना यू कैन अंडरस्टैंड ना यू कैन प्ले विद इट विल बी मॉडर एस टू बार एन माइनस वन की पावर तीन होल्ड एस पा थ्री अगर तीन बार आ गया Gave us, I think, these many properties are sufficient for now.